धागों के ताना भरनी पर वो करना करघे का घर घर, कपड़े जो करघे पर निर्मित करे प्रकृति का जरा ना अनहित, मानव के प्रयोग की खातिर इससे बेहतर क्या है आखिर। हे करघे पर भी उच्च कोटि के वस्त्र बन रहे आज, ओ हथकरघा के कारीगर हाथों में तेरे भरा है हुनर, तेरी कला की बात ही निराली, वस्त्रों को नई पहचान दे डाली, सदियों की इस परंपरा को बढ़ाकर पहना रहे जो ताज, हथकरघा उद्योग पर है देश को नाज। नमस्कार, मैं दिव्या चौधरी आपके साथ, स्वागत है आपका हमारे चर्चा के इस खास प्रोग्राम बीच बहस में। और आज हमारे मेहमान है बुनकर सेवा केंद्र के निदेशक तपन शर्मा जी, स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज की चर्चा हथकरघा उद्योग पर। तो सबसे पहले सर, हम जानना चाहेंगे कि हथकरघा उद्योग है क्या, हथकरघा क्या है? हथकरघा एक इक्विपमेंट है, जैसा आप जानते हैं रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नेसेसिटी होती है। उसमें कपड़ा जो है पुराने ज़माने में हथकरघा पर ही बनाया जाता था। पावलूम जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले सिर्फ हथकरघा ही एक ऐसा साधन था जिस पर पूरा कपड़ा बनाया जाता था। हथकरघा में तीन बेसिक मोशंस होते हैं, बीटिंग, शेडिंग और बीटिंग के, जो है तीनों मिलके हथकरघा बनाते हैं। ये पूरी तरीके से मैनुअली चलाया जाता है, इसमें किसी तरह का मशीन का प्रयोग नहीं होता है। तो सर, अगर कोई भी हथकरघा उद्योग शुरू करना चाहता है तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आएगी या फिर क्या क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि अगर कोई भी इस उद्योग में जाना चाहेगा तो उसके जहन में पहला सवाल ये ही आएगा कि क्या क्या चुनौतियाँ उसको फेस करनी पड़ेगी और क्या फ़ायदे वो ले सकता है। सबसे पहला तो जब भी हम कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टमेंट की, कि जो सबसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया हथकरघा एक बहुत ही सिंपल मशीन है जिसमें किसी तरह की मोटर का प्रयोग नहीं होता, तो हथकरघा में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा HHS स्कीम है, हथकरघा सहयोग स्कीम है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार 90% तक किसी भी इक्विपमेंट का कॉस्ट बियर करती है, सिर्फ 10% बुनकर को देना पड़ता है। तो इस ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी अगर आपको हथकरघा आप लगाना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5,000 फॉर एग्जांपल हैंडलूम की कॉस्ट है तो सिर्फ आपको 4,500 बियर करना पड़ेगा, आपको 500 रुपये बियर करना पड़ेगा, 4,500 जो है भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अच्छा, तो काफ़ी योजनाएं हैं जो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए चला रही है। तो सर, इनमें और भी कोई योजना जो अभी चल रही है? भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार इसको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की तरह देखता है, कैसे यान सप्लाई किया जाए, किस तरीके से उसको नई टेक्निक दी जाए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, साथ में मार्केटिंग का भी इसको सपोर्ट दिया जाए। जहाँ तक हम धागे की बात करें, सपोर्ट की बात करें, सबसे पहला रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाए, तो एक नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, भारत सरकार का उद्यम है, जिसके माध्यम से बहुत उचित रेट पर मार्केट जो आपका मिल गेट प्राइस होता है, मिल गेट प्राइस मतलब जो रेट मिल के गेट पर मिलेगा उस रेट पर बुनकरों को धागा सप्लाई किया जाता है। उसके बाद दूसरी चुनौती होती है आपको हैंडलूम के लिए इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे मैंने बताया हथकरघा सहयोग स्कीम के अंतर्गत 90% तक भारत सरकार वहन करती है, बाकी 10% बुनकर को से वो लेना पड़ता है, अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट भी गवर्नमेंट काफ़ी देती है, जितने दिल्ली हाट है, शिवग्राम मेला है, इन सब में जो है बुनकरों का पार्टिसिपेशन होता है और हमारी तरफ से उसमें एप्लीकेशन भरी जाती है, उसमें पार्टिसिपेट करके मार्केटिंग सपोर्ट लिया जा सकता है। तो सरकार भी काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को इससे आजीविका का एक नया स्रोत मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि हथकरघा उद्योग पर आजीविका लोग कितने इस पर डिपेंड है, इस पर कैसे निर्भर है? दरअसल जैसे मैंने बताया आजकल जो है पूरा रूरल पूरा ख़त्म होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्बन होते जा रहे हैं, पूरा विलेज से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि विलेज में जो है किसी तरह का जॉब डेवलपमेंट बचा नहीं, सब जो कंपनीज वगैरह होती हैं शहरों में होती हैं। हथकरघा एक ऐसी चीज़ है जो आप घर में बहुत कम स्पेस पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो एक ये बहुत बड़ा हमारे लिए हथियार है माइग्रेशन रोकने का। किस तरीके से रूरल माइग्रेशन रोका जा सकता है, जैसे मैंने बताया एंड टू एंड जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो है बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहेगी हथकरघा की माइग्रेशन को रोकने के लिए।
सर देखा जाए तो फिर ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, इस तरह से कि लोग इसको लेके आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपनी आजीविका का स्रोत हथकरघा उद्योग में ढूंढ रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार होने में ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा फिर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जैसे मैंने आपको बताया, हथकरघा एक ऐसा वो चीज़ मशीन है जिसमें आप जो है डायरेक्टली जो है किसी बिना किसी सपोर्ट के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और सब कंपनीज वगैरह किसी भी लगाने में आपको कई लोगों का सहयोग चाहिए होता है, परंतु इसमें सिर्फ एक हथकरघा, एक छोटा हथकरघा लगा के आप, जैसे आप पूरा प्रोसेस बताया, उसके माध्यम से जो अपनी आजीविका चालू कर सकते हैं। तो सर देखा जाए तो हथकरघा उद्योग में पहले में और आज के समय में क्या कुछ बदलाव आया है, कि पहले हथकरघा उद्योग कितना डेवलप था, नहीं था, और आज इसकी क्या स्थिति है? मैं अपने कार्यालय के बारे में इसमें बताना चाहूँगा। हमारा जो बुनकर सेवा केंद्र कार्यालय 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस समय आप सोच सकते हैं कि देश तभी तभी आज़ाद हुआ था, उस समय पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट जितना भी फैब्रिक का होता था सब हैंडलूम पर होता था। धीरे धीरे जो है काफ़ी बदलाव क्षेत्र में आए हैं, और जो है काफ़ी मशीनी जो है इसमें बदलाव आए, और पावर लूम सब ज़्यादातर प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे एनवायरनमेंट के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज ने कार्बन टैक्स तक लगा दिया है जो प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है हैंडलूम, जो आगे चल कर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे स्रोत है अभी भी कि हथकरघा उद्योग काफ़ी विकसित हो सकता है और हो रहा है। हाँ, जैसे माननीय महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, खादी का सपना, जैसे आप हाथ से धागे बनाए, तो एक ऑर्गेनिक कॉटन, हाथ से कटा हुआ धागा, नेचुरल डाइंग और हैंडलूम से बना हुआ कपड़ा एक बहुत ही कार्बन पॉजिटिव प्रोडक्ट है। और भारत, मेरे जहाँ तक मेरा विचार है, भारत के सिवा और कोई भी दुनिया में कोई और देश नहीं जो इसको बना सकता। सर ये तो हो गई हथकरघा उद्योग को लेकर बात, अब बात करते हैं कि हथकरघा उत्पादों में लोगों का कितना प्रचलन है, लोगों को कितना रुचि है कि वो हथकरघा से बने हुए उत्पाद को ले। दरअसल जैसे मैंने बताया, आजकल जो है जो भी राजस्थान की हम क्षेत्र की बात लें, तो दो प्रोडक्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा। एक कोटा दोरिया साड़ी है, कोटा दोरिया साड़ी एकमात्र ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंतर्गत हैंडलूम प्रोडक्ट है जो राजस्थान में बनाया जाता है। ये बहुत ही हल्की और महीन साड़ी होती है, और इसका जो है विदेशों तक में इसका जो है प्रचार प्रसार हुआ है, और बहुत लोगों में इसको लाइक किया जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट से बनी होती है। जितने भी मशीनें प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर जो है आर्टिफिशियल यार्न यूज़ करते हैं, पॉलिस्टर नारियल, जो शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं, परंतु हथकरघा के प्रोडक्ट नेचुरल यार्न यूज़ करते हैं, नेचुरल डाइंग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, साथ में एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। तो हथकरघा उत्पाद पर्यावरण के लिए भी उतना ही सुरक्षित है जितना हमारे लिए सुरक्षित है। तो सर हथकरघा उत्पाद और हथकरघा उद्योग में किसका रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है, युवाओं का, बड़ों का, किसका? जैसे मैंने आपको बताया कि जो अभी काफ़ी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारा सरकार जो है प्रयास कर रही है। मैं जब राजस्थान स्टेट की बात करूं तो एक हमारा मैंग्रोव क्लस्टर चल रहा है, इसके अलावा एक आवा विलेज है टोंग डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हमने नए प्रोडक्ट डेवलप करे। जैसे आपको पता है युवाओं को हरदम जो है नया चीज़ है, क्या नया बन रहा है, तो ऐसे कहें एक आवा साड़ी करके हमने जो प्रयास किया, आवा साड़ी एक नई साड़ी को लॉन्च करा है टोंग डिस्ट्रिक्ट से। ऐसे ही हमने राजस्थान आर्किटेक्चर और ट्रेडिशंस को लेकर कोटा दुरिया में साड़ी बनाई है, जिस तरीके नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सके और नए युवा जो है इससे जुड़ सके। तो सर हथकरघा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह से सहायता कर रहा है, कि जहाँ तक चाहे जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, एटलीस्ट 15% एक्सपोर्ट जो हैंडलूम बेस्ड है, और जिससे जैसे यूरोपियन कंट्रीज, जैसे मैंने बताया कार्बन टैक्स लगा दिया गया है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट सेंसिटिव हो गए हैं, तो आने वाले समय में हथकरघा बहुत तेज़ी से उभर के आगे आएगा। तो देखा जाए तो विदेशों में भी हथकरघा उद्योग काफ़ी प्रचलित है, विदेशों तक हथकरघा उत्पादों की और उद्योग की पहुँच है। दरअसल जो विदेशी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जो भी हमारा, जैसे मैंने बताया हथकरघा क्षेत्र तो बिल्कुल पूरी तरह से कार्बन पॉजिटिव, किसी तरह का एनवायरनमेंट नहीं, तो वो भी इस चीज़ को समझने लगे हैं और वो प्रेफर करते हैं हथकरघा उत्पादों का एज़ कम्पेयर टू पावरलूम प्रोडक्ट्स को। तो सर उद्योग, ये जो उद्योग है इसकी योजनाओं की जानकारी बुनकर लोगों तक कैसे पहुंचाई जाती है? इसके हम जो है
चौपाल हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक महीने में चौपाल लगाते हैं, जिसमें जो है विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है handlooms.nic.in, जिसमें पूरी डिटेल्स स्कीम्स की, आपको कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, किससे आपको कॉन्टैक्ट करना है और उसके क्या फॉर्म्स हैं, सब तरह की जानकारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। बिल्कुल, तो हम सभी देख सकते हैं साइट के थ्रू कि सर साइट का नाम एक बार handlooms.nic.in handlooms.nic.in। तो सर आज के ऑनलाइन और इंटरनेट के जो युग में हथकरघा उद्योग को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है? भारत सरकार द्वारा जो है एक हमारे यहाँ से पोर्टल लॉन्च किया गया है स्पेशली सिर्फ हैंडलूम वीवर्स के लिए। ये इस पोर्टल पर सिर्फ ऑथेंटिक हैंडलूम प्रोडक्ट्स दिए मिलते हैं और कोई भी बुनकर इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। काफ़ी आसान प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन के लिंक जो है वेबसाइट पर जैसे मैंने बताया वो दे रखे हैं और कोई भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के ऑनलाइन और इंटरनेट के युग में भी हथकरघा उद्योग तालमेल बैठा के चल रहा है, कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन युग में हथकरघा उद्योग पीछे है। दरअसल आप जैसे भारत सरकार की ओर से जो है इंटरनेट गांव में फैल रहा है, सब लोग इंटरनेट एक्सेस है, तो आराम से सब लोग अपने हथकरघा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेच भी रहे व्यापारी भी और इनका काफ़ी खरीदारी भी हो रही है। हथकरघा उद्योग भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी लिए हुए है, तो वो कैसे कंटिन्यू रख रखा है कि हथकरघा उद्योग और हमारी सांस्कृतिक विरासत? जैसे मैंने आपको बताया कि हथकरघा उद्योग जो है पावरलूम से पहले सिर्फ हथकरघा पर ही कपड़े बनाए जाते थे जी। हमने अपनी विरासत को जोड़ने के लिए जैसे मैंने बताया हम कोटा दोरिया साड़ी राजस्थान कल्चर ट्रेडिशन पर बेस बना रहे हैं, ऐसे करके पट्टू भी हमने पट्टू साड़ी के रूप में हम किसी तरह प्रयास कर रहे हैं कैसे इन प्रोडक्ट्स को कल्चर ट्रेडिशन से जोड़ा जाए, जिससे हमारी कल्चर ट्रेडिशन भी आगे बढ़े और हथकरघा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिले। बिल्कुल सर, तो हथकरघा उद्योग में काफ़ी सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है। ऑनलाइन और इंटरनेट के ज़माने में भी हथकरघा उसी लेवल पर है, उसके साथ तालमेल बैठा के चल रहा है। विदेशों तक हथकरघा उत्पादों की उद्योगों की काफ़ी पहुंच स्थापित हो चुकी है, तो सर अब क्या नयापन हथकरघा उत्पादों में देखने को मिलेगा? जैसा हमने एक जो है जैसा आप बताएं डेनिम जो है एक प्रोडक्ट है जो यंगस्टर्स को काफ़ी लाइक करते हैं, तो हमने एक अति बाना डेनिम करके जो है एक लॉन्च करी। अति बाना मीन्स एक्स्ट्रा वेफ्ट, एक्स्ट्रा वेफ्ट का काम होगा जो हैंडलूम स्पेसिफिक काम होता। तो इस तरह के कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हैं जो यंगस्टर से तालमेल बना के बनाया जा सके उनको बनाने का हमारी तरफ से प्रयास हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यंगस्टर्स इस क्षेत्र से अधिक से अधिक जुड़ेंगे। बिल्कुल सर, अति अति क्या था, अति डायनेमिक, अति बाना एक्स्ट्रा वेफ्ट। हाँ, अति बाना, अति मीन्स होता अतिरिक्त और बाना मीन्स वेफ्ट, जैसे ताना और बाना जो है इंग्लिश में जो है ताना को वाब बोलते हैं और बाना को वेफ्ट बोलते हैं, तो अति बाना मीन्स है एक्स्ट्रा वेफ्ट डेनिम। तो युवाओं में इसका रुझान आपको देखने को मिला है? दरअसल हमने काफ़ी अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो युवाओं को काफ़ी जो है अच्छा लगा, क्योंकि हर एक कोई चाहता कुछ नया प्रोडक्ट हमको देखने को मिले, तो हम अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको लोगों तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर हथकरघा उद्योग से कितने लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं और राजस्थान में हथकरघा उद्योग की क्या स्थिति है? 2004 हैंडलूम सेंसस के अंतर्गत 35 लाख जो है डायरेक्टली जो है हथकरघा से जुड़े हुए हैं। करीब 15,000 बुनकर जो हैं राजस्थान स्टेट से हैं और कुछ स्टेट्स में स्पेसिफिकली ज़्यादा हथकरघा बुनकर बाड़मेर है, जैसलमेर है और आपका टोंक डिस्ट्रिक्ट है, इन क्षेत्रों में बुनकर ज़्यादा हैं और सभी क्षेत्रों में जल्दी जैसे मैंने बताया काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और बुनकर लोग भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बुनकर सेवा केंद्र 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहा है कि लोगों तक हथकरघा उद्योग की पहुंच और बढ़े? 9वें राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह जो है हम इस साल हम जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मना रहे हैं। इस दौरान 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक काफ़ी कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र में चल रहे हैं और हमारे को एक थीम पवेलियन का इंटरेस्ट किया गया है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने वहाँ पर जो है प्रदर्शित किए हैं, साथ में हमने हैंडलूम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी चल रहा है। तो आपके माध्यम से मेरा सबसे अनुरोध है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और हथकरघा भाइयों का उत्साहवर्धन करें।
बिल्कुल सर, तो हथकरघा उद्योग को लेकर सरकार और सर व्यक्तिगत रूप से हम क्या इसमें ला सकते हैं मेरा कि आप सबसे अनुरोध है, योजनाएं? हथकरघा ज़्यादा से ज़्यादा आप हथकरघा का प्रयोग करें। हथकरघा आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और साथ में देश की जो सबसे बॉटम लाइन बिलो दी पिरामिड लोग हैं उनको सपोर्ट करता है। तो आपके माध्यम से सबसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा आप हथकरघा के प्रोडक्ट अपनाएं। तो देखा जाए तो हथकरघा पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और हमारे लिए भी सुरक्षित है, तो हम इसको अपनाकर हथकरघा और हमारे स्वदेशी जो ये उद्योग है उसको और आगे आगे बढ़ा बढ़ा सकते सकते हैं हैं, हम बिल्कुल अपने बिल्कुल बिल्कुल व्यक्तिगत लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हथकरघा उद्योग में और उत्पाद में अब क्या मॉडर्निटी के इस युग में कौन सा नया जैसे मैंने बताया कोटा दोरिया साड़ी एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जी इसका हिस्ट्री कम से कम 400 साल पुरानी है। तो अब जब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्या हम नया उसमें कर सकते हैं, नयापन बिल्कुल क्या है, क्योंकि जब भी मार्केट होता है मार्केट को नया चाहिए होता। तो हमने जो है प्रयास किया कि राजस्थान कल्चर ट्रेडिशन और आर्किटेक्चर बेस्ड डिज़ाइन जो है साड़ी में डाले जाएँ। तो उसी संबंध में हमने उम्मेद पैलेस है आपका, सिटी पैलेस है और गेटोर है, तो इन सब से डिज़ाइन इंस्पिरेशन लेके साड़ी में डालेंगे। साथ में झूमर डांस है, तो इस तरह के जो कल्चर ट्रेडिशन जो राजस्थान को प्रदर्शित करते हैं वो साड़ियों में जी डाले गए हैं। तो इस तरह के नए प्रोडक्ट बनाने से यंगस्टर्स का भी रुझान इन साड़ियों की तरफ बढ़ा है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस तरह के छोटे छोटे इंटरवेंशन से हथकरघा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हथकरघा का सर शुरुआती दौर कैसा था, मतलब बेसिक कहाँ से शुरू हुआ था हथकरघा उद्योग की? जैसे जैसे आज तो मैंने काफ़ी डेवलप डेनिम में भी साड़ीज में भी हथकरघा क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है जब तक पावर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले हथकरघा पर ही पूरी तरह प्रोडक्ट बनाए जाते थे। उस ज़माने में लोगों पर कपड़े भी नहीं होते क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम होता था, कपड़े भी बहुत प्रेशियस कमोडिटी मानी जाती थी। जी लेकिन उसके बाद जो है जैसे जैसे पावरलूम आता जा रहा है, लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं नए रंग बिरंगे कपड़ों में, नायलॉन और पॉलिस्टर के, जबकि वो जो है सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, साथ में एनवायरनमेंट के कभी हानिकारक होते हैं। परंतु जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और पता चल रहा है कि पावरलूम के प्रोडक्ट हमारे जो है एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, तो यंगस्टर्स इस तरफ जो है बढ़ रहे हैं और हथकरघा क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। तो सर हथकरघा दिवस मनाने के पीछे ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि हम हथकरघा दिवस को, क्या अभी भी हथकरघा उद्योग को और हथकरघा विकसित दिवस होना? को मनाने का जो औचित्य है, किस जी तरीके से हम जो है एक दिन पूरी तरीके से हथकरघा क्षेत्र को डेडिकेट करें, कि जो भी उससे जुड़े लोग हैं, जो उससे जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है बुलाया जाए, एक मंच पर बुलाया जाए, उसके बारे में बात की जाए, साथ में विभिन्न प्रोग्राम आयोजन किए जाएँ जिससे लोगों में जागरूकता है, हथकरघा के बारे में जागरूकता है, लोगों को समझ में आया कि जो ये कितना एनवायरनमेंट के प्रति डेडिकेटेड है, कितना जो है लाभदायक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपनाएं। तो सर तमाम सरकारी दावे और सरकारी योजनाओं के बाद हथकरघा उद्योग और हथकरघा उत्पादों को अभी और कितनी ज़रूरत है कि इनकी योजनाएं और इसमें हम क्या-क्या सुधार ला सकते हैं, या फिर क्या सरकार को और प्रयास करने चाहिए, किस तरह के प्रयास करने चाहिए? पहले जो हमारी सारी स्कीम काफ़ी सेग्रीगेटेड होती थी, अलग अलग स्कीमें होती थी, भारत सरकार ने सारी स्कीम एक स्कीम के अंडर ला दी, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस जी के अंतर्गत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया, एंड टू एंड प्लान है, जिसमें धागे से लेकर मार्केटिंग तक का सपोर्ट दिया जाता है। तो भारत सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि जो जो भी हथकरघा क्षेत्र अपनाना चाहते हैं उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट मिला जाए। इसके अलावा वीवस क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है, जिसमें जो है भारत सरकार द्वारा लोन दिया जाता है, जी उसमें जो है आप लोन ले सकते हैं। तो हर तरह का सपोर्ट भारत सरकार दे रही है हथकरघा को आगे लाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सरकार लोन भी दे रही है हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। हथकरघा उद्योग के बारे में सर और आप क्या-क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि वो हथकरघा उद्योग और हथकरघा उत्पाद में अपना निवेश करें या अपना योगदान दें? दरअसल एक राजस्थान स्टेट के बारे में बनाना चाहूँगा। हमने जो जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हैं, दो ही प्रोडक्ट जो राजस्थान स्टेट पे महत्वपूर्ण हैं, एक तो कोटा दोरिया साड़ी और एक जी पट्टू और साथ में दरी।
जब मैं छोटा था तो सब लोग दरी पर ही बैठते थे, किसी तरह की कुर्सी वर्सियाँ नहीं थी उस ज़माने में। तो पूरी तरीके से जो है जितने शादी ब्याह जितने प्रोग्राम होते थे उन सब में दरी का प्रयोग किया जाता था, परंतु धीरे धीरे प्लास्टिक की कुर्सियाँ आई और सब लोग कुर्सियों में दरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा झटका उद्योग क्षेत्र को लगा था, हथकरघा उद्योग क्षेत्र को जो इस तरह, लेकिन वो भी अपने यहाँ से डेवलप कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम जो है जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है, जैसे जैसे लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा, एक गांगरोनी तोता साड़ी के बारे में। एक गांगरोनी तोता जो है इसकी कहानी है, ये झालावाड़ बेस्ड तोता है। इसकी कहानी अलाउद्दीन खिलजी झालावाड़ 1700 शताब्दी में आए थे। उस समय वहाँ उन्होंने जहाँ शिविर लगा रहा था वहाँ काफ़ी पेड़ थे जिसपे ये गांगरोनी तोता आवाज़ कर रहे थे। तो उन्होंने नाराज़ होकर पूरे पेड़ कटवा दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, तो तोता ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया था। इस तोते की खासियत होती है ये ह्यूमन लैंग्वेज को बिल्कुल कॉपी कर देता है, और जहाँ तक मेरी जानकारी 2012 में लास्ट गांगरोनी तोता देखा गया। तो हम गांगरोनी तोते बेस पर साड़ी लॉन्च करी जिससे लोगों में गांगरोनी तोते के बारे में जानकारी हो किस तरीके से ये लुप्त हो गया, और साथ में साड़ी को भी बढ़ावा मिला, यंगस्टर्स साड़ी से अपने आप को जुड़ा महसूस कर। साड़ी का कुछ स्पेसिफिक नाम साड़ी हमने जो है ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में अशनावर विलेज है वहाँ पर गांगरोनी साड़ी करके लॉन्च करी। गांगरोनी साड़ी। इसके अलावा हमने जैसा आप जानते हैं सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी एक और GI प्रोडक्ट है राजस्थान का, और जहाँ तक मेरी जानकारी है मेहंदी सभी लेडीज़ लगाती हैं पूरे देश में, और सिर्फ राजस्थान स्टेट ऐसा है जिसको इसका GI मिला हुआ है। तो हमने सोजत मेहंदी से धागा डाई करके कोटा दूरिया साड़ी बनाई है। तो आप ये देखते किस तरीके से हम दो GI प्रोडक्ट मिला के नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। यंगस्टर्स को भी काफ़ी ये चीज़ें पसंद आती हैं, कैसे जो है हम अपने कल्चर ट्रेडिशन को जोड़ के अपने आप को उसका भाग बना सकते हैं। सर एक तो आपने बात की कोटा डोरिया की, और दूसरी थी पिट्टू या गांगरोनी साड़ी के बारे में, अतिबाना डेनिम के बारे में बात की, और पट्टू के बारे में और मैं बताना चाहूँगा। पट्टू एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जो ज़्यादातर जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर में, इनमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन पट्टू एक ऐसी चीज़ है जो आप शॉल और जैकेट में प्रयोग में लाते हैं। तो वहाँ भी हमने इंटरवेंशन करके वहाँ पर साड़ियाँ बनाने का प्रयास किया है, कैसे क्या जो इन डिज़ाइंस को जो आपके पट्टू के डिज़ाइंस उनको साड़ी पे बना सकें और नए उत्पाद वहाँ पे आ सकें जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ सकें। तो ये थी हमारी हथकरघा उद्योग को लेकर खास बातचीत बुनकर सेवा केंद्र के उपनिदेशक तपन शर्मा जी के साथ, जिनसे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली कि उद्योग को कैसे विकसित किया जा रहा है और उद्योग में उद्यमी अपना कैसे इंटरेस्ट डेवलप करे, युवाओं के लिए क्या चलाई जा रही योजनाएं, सरकार किस तरह से अपनी प्रयास कर रही है, और हम व्यक्तिगत स्तर पर कैसे इसको और बढ़ावा दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपका आने के लिए, दर्शकों को इतनी तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।